नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देशी प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त सचिन। आज हूँ भीमताल और नौकुचियाताल के बीच में। जगह पड़ती है पांडेगाँव। पांडेगाँव के आसपास की ये जगह है और मेरे पीछे की साइड में देख सकते हैं ये कॉटेज बने हुए हैं। एक कॉटेज उधर की साइड में बना हुआ है और एक कॉटेज इधर की साइड में बना हुआ है। प्राइस वीडियो के लास्ट में बात करूँगा। पहली बात हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से बना हुआ है। तो आप इधर की साइड में देख सकते हैं ये लोहा पड़ा हुआ है इधर की साइड में। लोहे की पूरी रॉड पर ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, प्री फैब्रिकेशन पे तैयार होता है। अभी इधर की साइड में काम चल रहा है, जो काम बना रहे हैं इसको, जो कारीगर हैं, जो मिस्त्री हैं, वो सब लगे हुए हैं। और किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन है, किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। पहले एक बार लोहा दिखा दूँ। देखिए लोहा, काफ़ी सारा लोहा यहाँ पर आ रखा है। ये पूरा लोहे की रॉड होती हैं, काफ़ी मजबूत रॉड होती है। तो जगह पड़ती है भीमताल और नौकुचियाताल के बीच में। भीमताल से मात्र 2.5 किलोमीटर नौकुचियाताल वाली रोड पर चलना पड़ता है, दोवाटी रेस्टोरेंट से थोड़ा सा आगे। तो चलिए मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इधर की साइड में ये 2 BHK बना हुआ है और काफ़ी स्पेशियस है। और ये इसी प्रकार से तैयार किया गया है जिस प्रकार से ये बन रहा है। पूरा लोहे का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, डिजाइन तैयार हो रहा है। तो चलिए एक बार दिखाते हैं। ये देखिए, ये लोहे की रोड है, काफ़ी मोटी रोड यहाँ पर बनाई गई है और ये पिलर का काम करती है। तो ये लोहे के इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसके ऊपर से प्री फैब्रिकेशन की एक सीमेंट की चादर आती है, वो इस पर लगाई जाएगी। ऊपर की साइड से मतलब वुडन रूफ बना के ऊपर से टीन शेड लगा दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो आप इधर की साइड में देख सकते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार के लोहे के पाइप होते हैं और काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं। मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा लोहा है, लोहे का ये पिलर का काम करता है और ये काफ़ी मजबूत होता है। और इस पर इस प्रकार से जोड़ कर पूरा एंगल बना के जब तैयार किया जाता है। तो मिस्त्री साहब, आप कब से काम कर रहे हो इसका? ये साइड का या ये मतलब वैसे इसका बनाने का, मतलब ये लाइन में? हाँ, ये लाइन में हम लोगों को कितना 4 साल। अच्छा, 4 साल। तो मतलब वैसे भी तो बेसिकली नया ही काम शुरू हुआ है, पहले थोड़ा बनाते थे ऐसा कुछ? नहीं, ये पहले नहीं बनता था। ये जहाँ पर सीलन वाली ज़मीन होती है, हाँ, या ज़्यादा मॉइस्चर होता है, वहाँ पर सक्सेस होती है। LGSS प्री फैब्रिक। अच्छा, तो आप कह रहे हो जहाँ मॉइस्चर होता है, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पर ये इसमें वो नहीं, जंग नहीं आएगी? नहीं, इस पर हम लोग पहले प्राइमर करते हैं। अच्छा, प्राइमर करते हैं पहले, उसके बाद में ये जो एवरेस्ट की ई बोर्ड आता है वो दोनों तरफ से कवर्ड हो जाएगा। अच्छा, बोर्ड मतलब इस बोर्ड किस चीज़ का बना होता है? वो सीमेंट और फाइबर का बोर्ड बना होता है। सीमेंट और फाइबर का बोर्ड बना होता है। तो वो बाहर की साइड से लगाया जाएगा? वो बाहर की साइड से लगाया जाएगा और एक बोर्ड अंदर की साइड से लगाया, दोनों साइड में लगता है। तो लाइफ कैसी रहती है इसकी? इसकी बोर्ड की जो लाइफ है वो आपकी 99 साल तो कंपनी गारंटी दे रही है। 99 साल? 99 साल। 99 साल की कंपनी की गारंटी है। जो इसमें अभी जो चादर लगेगी कितने बाई कितने की होती है? वो 8x4 का बोर्ड आता है। 8x4 का बोर्ड आता है, सीमेंट से बना होता है? सीमेंट और फाइबर। सीमेंट और फाइबर से। अच्छा अच्छा, जो गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। कौन सी कंपनी बनाती है ये? एवरेस्ट। एवरेस्ट कंपनी बनाती है। एवरेस्ट मसाले वाले एवरेस्ट क्या? अच्छा, और ये जो लोहा लगा रहे हैं कौन सी कंपनी का? ये अपोलो का लोहा लग रहा है। अपोलो का? ये जो हमारे कॉलम लगे हुए हैं 4x4 का अपोलो का लोहा। अच्छा, 4x4 मतलब 4 इंच 4 इंच? हाँ, 4 इंच बाई 4 इंच के हमारे कॉलम पे ये सारा सब कुछ। तो ओवरऑल इसकी अगर लाइफ देखा जाए तो 99 साल लाइफ है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, मतलब सीमेंट का जो कंस्ट्रक्शन होता है उससे भी ज़्यादा इसकी लाइफ होने वाली है। उसकी कहते हैं 30 साल में जाके वो पीक पे पहुंचता है। जो सीमेंट है 30 साल में अपनी हाईएस्ट जो मजबूती होती है उस पर पहुँचता है। उसके बाद वो फिर डाउन होने लगता है, मतलब प्लास्टर छूटने लगेगा, छतें कमज़ोर पड़ जाएंगी, ऐसे ही होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सीलन नहीं आएगी, आपकी पपड़ी नहीं छूटेगी। अच्छा अच्छा, सीलन तो आने का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि सीलन जब नीचे से सीमेंट लगा होता है पूरा बुनियाद से तब सीलन आती है। यहाँ तो ये पूरा उठा हुआ है, बीच बीच में इन्होंने सपोर्ट दे रखी है। और इसमें अच्छे देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या होती है? मुझे लगता है अब तक कोई प्रॉब्लम तो किस तरह कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई नहीं है, कोई प्रॉब्लम। और खर्चा देखा जाए तो क्या किस में ज़्यादा आता है? खर्चे की बात की जाए तो खर्चा इसी में ज़्यादा आता है सीमेंट के मुकाबले का। जो हम ईंट का बनाते हैं, हाँ, उससे ज़्यादा खर्चा आता है। इसमें ज़्यादा खर्चा आता है? इसमें ज़्यादा। मेरे को लगता है कि कम खर्चे में जाता हुआ, क्योंकि बीच में आप ईंट नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। तो ये उसकी जगह पर हम लोहा दे रहे हैं जो ईंट से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। अच्छा अच्छा, उससे ज़्यादा खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। खर्चा ज़्यादा आ जाता है, मगर सिर्फ ये जैसे भूकंप आता है तो दीवार में चटक आ जाती है कुछ भी, ये नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर ज़मीन खिसकती भी हो कुछ भी तो ये आपका ज़मीन नीचे की निकल जाएगी, तो ये टंगा रहेगा, टंगा रहेगा। मतलब ओवरऑल देखा तो सेफ है, सेफ, सीमेंट वाले मकान से ज़्यादा सेफ है, क्योंकि इसमें ऐसा गिरने वाला भी कुछ नहीं होता कि गिर गया तो आदमी दब जाएगा। ये तो पूरा लोहे का स्ट्रक्चर है, आपको कहीं। अच्छा, ये पहाड़ों पर ही बना सकते हैं, प्लान में भी कहीं बना सकते हैं? प्लान में बना सकते हैं, ये जैसे पानी के नज़दीक पर होते हैं, समुद्र किनारे पर, विदेशों में ये सबसे ज़्यादा चलता है, सबसे ज़्यादा ये चलता है। हम वुडन, इसमें वुडन का भी लगा देते हैं लेयर, वुडन की लेयर भी लगा देते हैं। बाहर से अगर वो चाहें टाइल्स ना लगवा कर, इस पर हार्डवुड की लेयर लगवा सकते हैं। अच्छा, तो जैसे आप बना रहे हैं तो आपको स्क्वायर फीट का रहता है क्या, पूरे का ठेका ही ले लेते हो एक बार में, या फिर आपकी पर डे की कुछ रहता है दाढ़ी वगैरह? ये तो पर स्क्वायर फीट से बनता है, मगर यहाँ पर तो बस ही पर डे के साथ बना रहे हैं। नहीं, लेबर रेट पर काम। अच्छा, लेबर रेट पर काम चल रहा है। तो कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा? कितने एरिया है टोटल ये जो आप बना रहे हैं, जिसमें केबल बना रहे हैं? जिसमें केबल बना रहे हैं 16 फीट, और ये आपका होता है 35 फीट। 16 बाई 35 में बन रहा है। कितने दिन से काम कर रहे हैं और कितने दिन में कम्प्लीट हो जाएगा ये? और 2 महीने में लगभग कम्प्लीट हो जाएगा। 2 महीने में बनकर कम्प्लीट हो जाता है, जबकि सीमेंट वालों को कम से कम 5 महीने लगते हैं, क्योंकि इसमें 15 दिन में तो आपका लिंटर का ढोला ही खुलता है, 15-20 दिन में, ऐसे ही ना? अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब 2 महीने में आप इसको कंप्लीट करके दे देंगे? अच्छा अच्छा, तो पानी वानी की टंकी वंकी का, टॉयलेट सीट, उसमें क्या रहता है, सब लग जाता है? हाँ, ना इसमें सारी सब लगेगी, अंडरग्राउंड लाइट फिटिंग रहेगी आपकी। अच्छा अच्छा, पानी की फिटिंग रहेगी, पीछे को इसके टैंक आ जाएगा, पानी का टैंक पीछे आ जाएगा, पानी का टैंक पीछे आ जाएगा, आगे सीवर के टैंक बने हुए पहले से ऑलरेडी बने हुए। अच्छा, बाद में इसमें मॉडिफिकेशन कराना हो कुछ? हाँ, वो सब कुछ हो जाएगा, हो जाता है, मतलब काट वाट के सब कर देते हो? हाँ, सब हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे कारीगर हैं, इन्होंने इधर की साइड में बनाया हुआ है। ये भी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ा सा, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये इन्होंने ये वाला मकान बनाया है, और पूरा ये प्री फैब्रिकेशन पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं, पूरा प्री फैब्रिकेशन पे बना हुआ है ये, और काफ़ी सुंदर है। और अगर मैं व्यू की बात करूँ तो इसके सामने व्यू बहुत शानदार आता है। ये देखिए, भीमताल में लेक के आसपास में है, और सामने बादल नीचे की साइड में देख सकते हैं। और ऐसे में ऐसा कंस्ट्रक्शन 2 महीने में अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और खर्चा कह रहे हैं ज़्यादा आता है, मेरे को लगता है कि लगभग बराबर आता होगा, लगभग बराबर आता होगा, क्योंकि इसमें ब्रिक्स वगैरह सीमेंट का कोई काम नहीं होता, केवल आपको बस लोहे का ऐसे फ्रेम बनाने हैं और उसमें आपको सीमेंट की चादर लगा देनी है। सिक्योरिटी पूरी रहती है, मजबूती पूरी रहती है। अच्छा, बताइए इसमें लेंटर कैसे डालते हैं आप? लेंटर इसमें पहले तो हम लोहे का 2x2 का जाल बनाएंगे। अच्छा, लोहे का 2x2 का जाल बन जाएगा इसकी छत में। हाँ। 2 फीट और 2 फीट के हम जाल बनाएंगे, जैसे ये बने हुए हैं। हाँ। वैसी छत में 1.5-3 का पाइप लगा दें, उसके ऊपर से हम चादर डालेंगे, चादर के ऊपर से आपकी 10 mm की सरिया डालकर। हाँ। उस पर 2-3 इंच का माल डाल देंगे, मतलब सीमेंट डाल दोगे? सीमेंट डाल। तो वो नॉर्मल लेंटर जैसा हो गया, मजबूती भी वैसी हो गई? मजबूती 3 गुना हो गई, 3 गुना बढ़ जाएगी। एक तो हमारा ये लोहे का जाल बन गया, वो मजबूत हो गया, ऊपर से हमने इसके चादर डाल दी जो ढूले की तरह बनती है, चादर डाल दी, उसके ऊपर सरिया डालकर लेंटर डाल दिया, तो लेंटर की 3 गुना मजबूती हो गई। तो आपने तो यहाँ पर काफ़ी सारे मकान बनाए हैं? मैं हाँ, ये लगभग 12-13 मकान बना चुके हैं यहीं पर आसपास में। आसपास में काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हो ना यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर भीमताल में 4 साल हो चुके हैं। तो वैसे अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको दिख जाएगा लास्ट में, तो आप कॉल कर लीजिएगा और मैं भाई साहब का नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप इनसे अपना मकान बनवा सकते हैं। लोकेशन बहुत खूबसूरत है और काफ़ी अच्छे से काम चल रहा है, और आसपास के लोग इन्हीं से काम करवाते हैं, क्योंकि ऐसे कारीगर बहुत कम हैं और ऐसा जो काम करके देते हैं, और लाइफ बहुत अच्छी होती है प्री फैब्रिकेशन की। आप ये देख सकते हैं, ये प्री फैब्रिकेशन पर पूरा बनाया हुआ है, और देख के कोई कह नहीं सकता है कि प्री फैब्रिकेशन पर बनाया हुआ है, क्योंकि सीमेंट में और प्री फैब्रिकेशन में बनने के बाद कोई भी अंतर नहीं दिखता है। इधर की साइड में एक काम चल रहा है, वो भी इस प्रकार से बना हुआ है। तो यहाँ पर मान के चलिए 5 कॉटेज इसी प्रकार के बनने हैं। अगर आप ये बना बनाया ख़रीदना चाहते हैं तब भी एक ऑप्शन है, उधर की साइड में वो 45 लाख में है और ये 35 लाख में आपको मिलेगा। बीच में अगर ख़रीदना चाहते हैं यहाँ पर या अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके बनवाना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। लोकेशन बहुत शानदार है, इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो मैंने इस चैनल पर डाली हुई हैं। अगर आप उत्तराखंड में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, चाहे वो कुमाऊं जोन हो, गढ़वाल जोन हो, या देहरादून साइड में मंसूरी धनौल्टी साइड, कहीं भी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। हमने नैनीताल, भीमताल, भवाली साइड की बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं। मेरा नाम है सचिन कुमार, आप देख रहे हैं देशी प्रॉपर्टी। फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद।